जा रहा है यीशु मसीह आमीन। ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं क्योंकि एंजल, आज मैं उन एंजल को भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में आमीन। जकरिया की किताब में लिखा, लूका की किताब में लिखा कि जकरिया के पास जब एक एंजल आया और उसको कहा कि परमेश्वर तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा है, लेकिन उस समय उसने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और मेरी पत्नी बुढ़िया हो गई है, ऐसे कैसे होगा। उसने कहा तेरी सोच से नहीं, तेरे विचार से नहीं, तेरे पैसे से नहीं, परमेश्वर की ताकत से होगा। आज यीशु मसीह के नाम आमीन। आपके विचारों से नहीं, आपकी किस्मत विचारों से नहीं, आपकी सोच से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य बदलने वाली है। यस आमीन। उसने एक और बात कही, बोलता है कि हम आते नहीं है, हमें भेजा जाता है। यस। आपको बुलाया नहीं गया है, आपको भेजा गया है स्वर्ग, स्वर्ग की ओर से। आमीन। आप खुद नहीं आए हैं, आपको भेजा गया है आशीष देने के लिए। परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया और आप यहाँ पर आए हैं। आप खुश नसीब लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में मिराइकल हो। मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस फैमिली के लिए जिनकी मैरिज नर्सरी है, इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नाजरी के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह होने पाए। और आज मेरे पिता जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा, स्क्रीन पर भी मैं इनके लिए पेशेंट के लिए भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके घर में आज से ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए खुशखबरी है, देखो जैसे स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ कि ऑनलाइन में लोग जुड़े हुए हैं। ये ऑनलाइन में कोई कनाडा से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, रूथ जुड़ी हुई है, हंस रही है मुझे देखकर, और सलोमी मैं देख रहा हूँ, मारिया और बहुत सारे लोग, लॉरेंस, ललिता, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं अभी दुबई से, मॉरिशस से, पाकिस्तान से, मारिया शहजाद जुड़ी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि अनुज बेंगलोर से, कर्नाटक से, आप बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग चाहते हैं कि ऐसे ही प्रार्थना कराना, आप मिलें और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज मेरे ऊपर मिराकल करे। जिन लोगों को रोटियां डबल करनी है उनका तरीका बता रहा हूँ आपको आज। हाँ, उत्पत्ति की किताब 18:3 हम पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे हैं कि अब्राहम ने 3 स्वर्गदूत देखे और 3 स्वर्गदूत देखने के बाद वो एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा था और उसी समय उसने जब स्वर्गदूतों का दर्शन किया, उसने जोर से आवाज लगाई और वो बोलने लगा कि मैं जब तक आपके लिए खाना या कोई भोजन ना ले आऊं, कोई खाने की चीज ना ले आऊं, तब तक आप यहां से मत जाना। विनती किया उसने, प्रार्थना किया उससे, और उसी समय एंजल ने कहा, स्वर्गदूतों ने कहा, ठीक है आज हम तेरे हाथ का खाना खाकर जाएंगे। और फटाफट दौड़ा दौड़ा गया और जाकर उसने अपनी पत्नी को कहा, चल इन लोगों के लिए फुलके बना। बहुत सारी औरतें जब उनको रोटियां पोनी पड़ती हैं उनको गुस्सा आता है, आ गया मुस्टंडा, 2-3 और बंदे ले गए रोटियां पोनी पैगी। लेकिन देख रहे हैं आप कि यहाँ पर उसने फुलके पोए। पढ़ के बता पाच सपना, तू भी तो घर में बोती होगी अपने पति के लिए। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया। हाँ। और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। कह रहा, 3 सा मैदा गूंद और जल्दी से फुलके बना। अपने पड़ोसी को बोलो आज, कह रहे घर जाके फुलके बनाना अपने पति के लिए। आज बनाओगे कि नहीं? Yes. आजकल की औरतें फुलके नहीं बनाती भाई साहब, ऑर्डर, सिर्फ 5 अक्षरों का नंबर इनको याद है, ऑर्डर। पनीर भी बाहर से आएगा, छोले भी, भटूरे भी, और बाद में बोलेंगे देखना कैसा बना है खाना, और झूठी तारीफ लेती हैं आजकल की औरतें। मेहमान कहते हैं बहुत अच्छा बनाया आपने, लेकिन आता होटल से है खाना। नहीं आजकल के सब बाहर से खाते हैं। लेकिन इसने कह रहा, स्वर्गदूतों ने जब खाया और खाने के बाद उसको कहा, इसी के 10 में बोलते हैं, हाँ पढ़े देखो क्या लिखा। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, कह रहा कि मैं फिर आऊंगा दोबारा। स्वर्गदूतों ने कहा, कह रहा वसंत ऋतु में फिर आऊंगा तेरे घर पर खाने के लिए,
आज कितने लोग मेरे लिए फुलके बनाएंगे, पर मैं नहीं खाने आऊंगा तुम्हारे घर। लेकिन यह विश्वास करना है आपको कि फुलके करे के जब बनाए जाते हैं और उसी समय स्वर्गदूत फिर खाने के लिए आते हैं। जिसके घर पर आलू के परोठे अच्छे लगते हैं मुझे, मैं उसके घर पे दोबारा फिर जाता हूं। लेकिन जिसकी सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, जिसका खाना अच्छा नहीं लगेगा, उसके घर दोबारा स्वर्गदूत नहीं जाते। आप विश्वास करें कि आप कहीं से भी आए हैं, ये स्वर्गदूत हैं। करे के उन लोगों के लिए यहाँ बताना चाहता है कि स्वर समझ गया अब्राहम। करे जब स्वर्गदूत का दर्शन हो, जब आपको करे रात को ड्रीम्स आए, एक अच्छा ड्रीम्स आए, उसी समय उठकर करे कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएं, आपकी प्रोफेसी जरूर पूरी होगी। आमीन। कह रहे हैं कि अगर आपने कोई अच्छा ड्रीम्स देखा है, उसको पूरा कराना है, तो कह रहे हैं कि आपको एक बीज के साथ आना पड़ेगा। कह रहे हैं कि अगर आपने कोई अच्छा ड्रीम्स देखा या आपने भविष्यता से भविष्यवाणी को सुना और आपने बीज नहीं बोया या आपने किसी गरीब को जाके खाना नहीं खिलाया, मैं कह रहा हूँ कि ये कारण है कि भविष्यवाणियाँ पूरी नहीं होती। जो प्रभु ने कहा वो पूरा तो होगा, लेकिन अगर आपको तरीका बता रहा हूँ। अब्राहम को ये बात समझ में आई, बड़े सालों से करें कि वो मेहनत कर रहा था, दर्शन भी आ रहे थे, स्वर्गदूत भी आ रहे थे, लेकिन इस दिन इसको समझ में आया कि मुझे अपनी भविष्यवाणी को कैसे पूरा कराना है। इसने भविष्यवाणी को जैसे सुना, इसने पहले स्वर्गदूतों को देखा और उसी समय उनसे विनती किया कि आज मैं तेरे लिए खाना लेकर आऊंगा, और खाना किसी और के हाथ से नहीं लेकर आऊंगा, अपनी पत्नी के हाथ से खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे को मेरी पत्नी का गर्भ में आशीष चाहिए आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ पहले क्या करते थे जमाने में, बुढ़िया क्या करती थी, दादी क्या करती थी, पहले कह ले तू भी रख दे एक 10 का नोट हाथ पे लेके, सबको छुआ देगी ऐसे करके, ले हाथ कर ले, चार बच्चे हैं बुढ़िया के, हाथ कर दे फटाफट, जल्दी करो, ऊपर कर, ऊपर कर, घनचक कर, छू ले जल्दी कर, ऊपर कर, छू ले 10 का नोट, अब डाल दो दान में। आधी दर्जन बच्चे और सबको छुआ के डाल दिया दान में, चल गया काम, सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं चलता भाई साहब। यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है अपने लोगों को कि अगर आज आप चाहते हैं तो अब्राहम से सीखो। अब्राहम ने फुलके बनवाए और उनको पसंद आए, एक ऐसी भेंट जो परमेश्वर को पसंद आए, ऐसा दान जो परमेश्वर को पसंद आए। कर अगर नहीं कर सकते तो कर किसी गरीब को फुलके बनाकर जाओ बाहर जाकर खिला देना, जो आपको पसंद आए, जो कंगाल जो गरीब पसंद आए वहां जाकर खिला देना। अगर उससे भी ज्यादा बड़ी आशीष लेना चाहते हो तो कह रहे कि भेंट के साथ आना, अपने दशमांश के साथ। परमेश्वर आज रात कह रहे कि जो बांझ पड़े हैं, जिनके बिजनेस खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में खोलने वाले हैं, जिन्होंने बीज बोए ऑनलाइन चर्च में और जो लोग बीज बो रहे हैं, अपने सिर पर हाथ रखे। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपका कुछ भी बांझ नहीं रहने देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है। आज आपको आशीष देगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम जगह जगह लंगर करते हैं, जगह जगह हर ब्रांच में खाना करते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करें। जो लोग इसमें अपने भेंट, अपने दशमांश, जो अपने बीज बो रहे हैं इस मिस्ट्री के लिए, परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। कुछ प्रार्थनाएं करानी पड़ती हैं, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं करानी नहीं पड़ती। जैसे ही आप परवचन को पूरा करते हैं, आपकी प्रोफेसी पूरी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आइए सिरों को झुकाएं। अबला बा शबला बा बला बा शबला बा बला बा शबला बा बला बा शबला बा ओ राचा रबा सना यो रे 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 रे। पवित्र आत्मा जी, मैं इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा तू छू अपने लोगों को यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा, जो लोग आज जॉब के लिए भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, अगर इनके घर में, इनके बिजनेस में, इनकी जॉब में अकाल पड़ा है, मैं इसी समय उस अकाल को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी के ऊपर कर्ज है, कोई भी गरीबी का कंगाली का श्राप है, घर में कलेश का श्राप है, पवित्र आत्मा जी इन्होंने मेरे प्रभु तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर बोया है, इन्होंने फुलके तैयार किए हैं परमेश्वर अपने दिमाग में आज तेरे कामों के लिए। पवित्र आत्मा जी आज परमेश्वर इन्हें आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ बसंत ऋतु में फिर आएगा तू, और सारा गर्भवती होगी, जिनके पास बेटे नहीं है वो सच में गर्भ से आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी खुद ने पाए पवित्र आत्मा, जिन्होंने बोया है परमेश्वर, इनके घर में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपका घराना 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना मल्टीप्लाई होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं एंजल भेजता हूँ, जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज एक नहीं, 7-7 एंजल भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम में। 7 एंजल उतरे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं वो एंजल लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।
Amen. आपका विश्वास आपको जीत दिलाएगा इस हफ्ते के अंदर. Yes, Amen. तैयार हैं आप जीत देखने के लिए? चर्च तैयार हैं आप जीत देखने के लिए, हाँ या ना? आइए हम प्रार्थना करेंगे. जो लोग इस समय स्क्रीन पर हैं, परमेश्वर आशीष दे. मैं उन लोगों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ. पवित्र आत्मा छुए, आपको ब्लेसिंग दे. अब अलबा शब अलबा बलबा शब. मैं देख रहा हूँ ऐसे जो लोग ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो लोग इस समय मेंबर है हमारे, जो लोग इस समय बीमार हैं, समस्या में, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. रोजी देवी, लिलिया पटेल, गुरदीप सिंह, मैं देख रहा हूँ ललिता, मुक्ता, गैलेक्सी, राजेश, सर्वजीत, लिंडा, मनीषा, सरोज हैदराबाद से, जेम्स, जॉन, इसी समय मैं आप सबको देख रहा हूँ. गॉड ब्लेस यू. मेरी आवाज आ रही है आपको? अपने हाथों को हिलाओ. शामाश. पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे. आप संडे के दिन जो ऑनलाइन है वचन सुन रहे हैं, आज आप वचन सुनने के बाद आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में. आप छुड़ाए जाएंगे, आप आजाद होंगे. अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा. पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय इनके ऊपर. पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे. जो इस समय कनाडा से परमेश्वर, जो भी इस समय पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से मेरे पिता, इस समय परमेश्वर पाकिस्तान से या नेपाल से परमेश्वर, गुजरात से, अहमदाबाद से पवित्र आत्मा, हैदराबाद से मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, जो भी मेंबर है पवित्र आत्मा इसी समय, जो भी परमेश्वर पुणे से इस समय, महाराष्ट्र से, नवजोत को नजल से इस समय पवित्र आत्मा, कहीं से भी परमेश्वर देख रहे हैं इसी समय, इनके ऊपर से पवित्र आत्मा जी आज हर एक बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में. इनके बच्चों की इसी समय ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में. हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में. पवित्र आत्मा जी इसी समय बेंजामिन को भी परमेश्वर ब्लेसिंग दे, जैकब को भी ब्लेसिंग दे, जो यूएसए से समन इसी समय, यूएसए खोलो उसको, यूएसए से समन को खोलो. सुमन सुमन तुमसे बात कर रहा हूँ. अबलबा शबलबा बलबा शबलबा. हाँ हाँ सुमन तुमसे बात कर रहा हूँ. परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है, कह रहा है कि कुछ समय से फाइनेंस को लेकर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है कि मैं तेरे हाथों पर हाथ रख रहा हूँ और 3 हफ्ते के बाद एक बड़ी टेस्टमनी बनेगी तेरे यीशु मसीह के नाम में. पर तेरे हाथ तो मेरे से बड़े हैं यार, है? पर नीचे सारे बोले हालेलुया. पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसके हाथों पर उस ऑयल को लगाता हूँ कि आज से परमेश्वर ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट का मालिक हो परमेश्वर, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसकी हों यीशु मसीह के नाम में, बड़े प्रोजेक्ट को देखने पाए परमेश्वर, बड़ी ब्लेसिंग इसके ऊपर उतरने पाए और ये आशीष को देखे, कर्जे के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में. कर्जे के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में. हर एक आशीष इनकी उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में. आजाद हो जाओ, बोलो आमीन. आपको गुड न्यूज मिल रहा है, गुड न्यूज मिल रहा है, परमेश्वर आपका फेवर कर रहा है, बोलो हालेलुया. आप जहां पर भी हो वो डॉक्यूमेंट्स पक्के हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में. इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और इसी समय ब्लेसिंग मिले. मैं देख रहा हूँ कोई पेशेंट इसी समय कोई व्हील चेयर पर है और इसी समय पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है. अब इसी समय प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर उतर रहा है. हाँ, हरदीप कौर, हेमंत कौर, इसी समय उषा रानी, इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे. शमीला टगोर मैं देख रहा हूँ, ऐसे पटेल, सारिया, दीपा मैं ऐसे देख रहा हूँ, नीचे जो भी हैं इसी समय परमेश्वर आशीष दे. आपके नाम मुझे दिख नहीं रहे लेकिन कनाडा से मुझे देख रहे हैं, यूएसए से देख रहे हैं, इसराइल से मुझे देख रहे हैं इसी समय, चाइना से, हांगकॉन्ग से, जो आप इस समय जुड़े हुए हैं परमेश्वर आपको आशीष दे. सुमित्रा यूके से मैं देख रहा हूँ कि आपको, गैलेसिन, मीनाक्षी, गौरी कनाडा से, मैं इसी समय ब्लेस करता हूँ आपको यीशु मसीह के नाम में. अपने सिर पे हाथ रखो. शाबाश. अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा. पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर के इसी समय इनके घरों में पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग उतरने पाए परमेश्वर, फाइनेंस डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में. जो हमारे साथ मेंबर जुड़े हुए हैं परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा मैं इनके ऊपर हाथ रखता हूँ और इन्हें ब्लेस करता हूँ परमेश्वर. इन सबको पवित्र आत्मा जी आज ब्लेसिंग में इसी समय देखना चाहता हूँ परमेश्वर. आज से सच में इनका फाइनेंस बड़े, इंक्रीज हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए यीशु मसीह के नाम में. जिसी समय कोई भी हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में कोई भी प्रॉब्लम है आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में. इसी समय कोई बहरापन है इसी समय जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में. पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह हो यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन. हाँ, उसके बाद मुझे पेशेंट दिखाना, मैं पेशेंट के लिए दुआ करूंगा. अपने हाथों को उठाओ, फिर से जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में. कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है? मैं इसी समय जन्मदिन वालों के लिए फिर से प्रार्थना कर रहा हूँ इसी समय. हाँ, बोलेंगे, नाम बोलेंगे उनके जल्दी से. जॉन यूएसए से. और
प्रीति फाजिलका से, पूजा बठिंडा से, पूजा और जॉन और प्रीति, मैं इसी समय आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, फाइनेंस को डबल कर रहा है आपके यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इनके जन्मदिन पर इनको आशीष दे, इनकी मैरिज लाइफ में भी पवित्र आत्मा, जिसकी आज जन्मदिन है, जिसकी मैरिज है परमेश्वर, उनको ब्लेस कर यीशु मसीह नाज़रेत के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए, मैं ऐसे देखता हूँ यहाँ पर कोई अनुग्रह जुत्ती उतार के शावा सामने खड़ी हो जा, आज ये टेबल तेरे लिए लगाया मैंने। मैंने ऐसे देखा, हाँ ऊपर आ जा शावा, खड़ी हो जा पर स्टेज पर कैमरे से बच के, कुर्सी रख वहां पे, कैमरे से बच के मेरा तो चेहरा लेने दे। बड़े क्रीम पाउडर लगा के आया मैं, तो क्या कर रही है? सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, जब आप तैयार होकर आते हैं कि नहीं प्रभु के लिए। कितने लोग सिर्फ सो के आए, आज कंघी नहीं करके आए बालों में। आपको प्रभु से प्यार है, आप तैयार होकर आया करो घर से, जैसे शादी में जाते हैं, समझ रहे कि नहीं? आपके अंदर चाव होना चाहिए कि मैं प्रभु से मिलने के लिए जा रही हूँ। बोलो हालेलुया। आज तुझे विश्वास था प्रभु तेरे को बुलाएगा? 5 साल हो गए मुझे, मैं कभी भी मिल भी नहीं पाई, मैं आगे भी नहीं बैठ पाई कभी। आज फर्स्ट टाइम 5 साल हो गए आपको। ताड़ी बजाएंगे इस बच्ची के लिए, शाबाश। हालेलुया। 5 ईयर्स है ये, तुझे 5 साल हो गए। वो देख पीछे की स्क्रीन पे कोमल जुड़ी है, नैना जुड़ी है, दत्ता जुड़ी है, वो वेंसी जुड़ी है, वो कह रही है 8 साल से जुड़े हुए, हमारा नंबर नहीं आया अब तक। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। अकेली तू नहीं है लाइन में, बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन विश्वास करना है। अभी तेरी फैमिली में कोई जॉब चाहता है, जॉब ढूंढ रहा है, पक्का होना चाहता है, कोई जॉब ढूंढ रहा है वर्किंग के लिए, कोई जॉब ढूंढ रहा है, कोई जॉब चाहती है। घर में कौन चाहता है जॉब? तू क्या करती है अभी? कुछ भी नहीं। तेरा भला हो जा तेरा। अरे तू समझी नहीं, मैं यही तो समझा रहा हूँ। एंजल जब आते हैं तो किस्मत बदल कर जाते हैं। यस आमीन। समझ रहे? यहाँ पर एंजल आए हुए हैं आपके साथ, कह रहे कि अलग अलग तरह की हरकतें होती हैं रात को, आप बता नहीं पाते किसी को। आपके पैर पर ऐसे लगते जैसे कोई मुझे टच कर रहा है। जब आप नहाते हैं तो आपको नील के धब्बे पड़ते हैं शरीर में, बॉडी में, आपको अंदर कालजे के अंदर चुभन सी महसूस होती है। मेरा दम घुटता है, कोई मेरा गला दबाता है। मैं बहुत डर रही थी कि अब मैं बचूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी। मैं जिंदा रहने के लिए यहाँ पे आ रही थी कि मैं जिंदा रहूंगी, चर्च में जाऊंगी तो, वरना मैं मर जाऊंगी। इस घर के मैं कहीं नहीं जा रही थी। आप यहाँ पर आए विश्वास के साथ, प्रभु का आत्मा आपसे प्यार करता है बेटे, और आज आप आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको किसी अमित के लिए दुआ करना है। मेरे हस्बैंड का नाम अमित। प्रोफेसर। हालेलुया। मैंने सुना, मैंने देखा कई लड़कियां ऐसे करती हैं। मम्मी क्या हुआ अभी? मैं हैरान हो रही हूँ कि आज मेरा नंबर कैसे आ गया। मैं यही बात पूछ रहा था आपसे, मैं यही बात कर रहा था कि जॉब किसको चाहिए? वो फ्री है। वो फ्री है? आप फुलके बनाओ, वो फ्री नहीं रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? yes. अरे चाहिए कि नहीं? हाँ कि ना? yes. सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। ये एंजल का कमाल है, परमेश्वर ने आपको भेजा है, आप आए नहीं है। yes. पवित्र आत्मा ने आपको भेजा है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। मैं फिर कर रहा हूँ, ऐसे सोनू आपके मोहल्ले में, आपके जगह पर एक पुराना कोई जन ऐसे उसको बोलते क्लास में कहीं पढ़े लिखाई में, मैं फिर कर रहा हूँ कि ऐसे आप पुराने टाइम में जानते हो सोनू, और होली स्पिरिट मेरे को बोल रहे हैं कि एक ब्लैंक मैजिक शुरू हुआ आपके ऊपर, जिस वजह से आप परेशान है। अब से आप 7 सालों से आपके घर में गड़बड़ी चल रही है। yes, मेरा घर बर्बाद हो चुका है। नहीं, ये आबाद वाले भी यहाँ पर नहीं आए।
तो अभी इसी समय आपका घर भी बनेगा, आपकी हर चीज, हर आशीष खुलेगी आदि यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करती है? yes, मेरे पास सिर्फ बाइबल के सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ पर सुन रही है, आपके लिए बैठा हूँ। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय मेरे हाथ की तरफ देखो और लेफ्ट साइड एक स्वर दूत आया हुआ है। हालेलुया। तो तीन कदम अपनी मर्जी से आएगी, चौथा कदम मेरी मर्जी से रखेगी। चौथा कदम तो रख के दिखा मेरे को, रख जरा। तीन कदम, दो, तीन। मैं रख नहीं पा रही। पता नहीं क्या हो रहा है। हालेलुया। क्या कह रही? ये पैर कोई रखने नहीं दे रहा। रखने नहीं दे रहा? कोई रखने नहीं दे रहा? अरे कोई नहीं, एंजल खड़े हैं तेरे पास। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसने तीन देखो कैसे रखे। मैंने क्या बताया आज, किसने फेसबुक पर पोस्ट देखी थी उसमें कितने एंजल थे? सात। yes. समझ रहे कि नहीं? आज एक नहीं, मेरे साथ सात एंजल आए हुए हैं यीशु मसीह। आमीन। एक बजिंदर सिंह नहीं, सात बजिंदर सिंह मेरे साथ हैं। yes, आमीन। सुन रहे हो? आप अकेले नहीं हो। जब आप आंख खोलते हो कई बार आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, दो दिखाई देते हैं कई बार। आप सुबह आंख खोलोगे आपको सात बंदे दिखाई देंगे। yes, आमीन। आपको माँ एक नहीं दिखाई देगी, सात दिखाई देंगे। मतलब माँ तो एक ही है पर सात बार दिखाई देगी आपको। बोला हालेलुया। शांस कर रही है? तूने सोचा ऐसे ही आ गया सूट बूट पहन के है पादरी यहाँ पे? आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत बाबे भी चमत्कार करके दिखा रहे। मैंने कहा चलो हम भी लगा लेते हैं भाई सिंहासन एक। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। वो करते हैं, सिर्फ बताते हैं, दिखाते नहीं है, बताते हैं, गवाहियां नहीं बताते। यहाँ पर बताएंगे भी और अगले संडे तेरी गवाही भी आएगी। yes, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जो चैलेंज करते हैं उन चैलेंज का जवाब दे रहा हूँ कि हम जो बोलते हैं अगर बोल दिया जा भाई तेरी एचआईवी भाग रही तो भाग रही, किसी को बोला कि जा भाई लीवर तेरा चंगा हो गया तो हो गया, सारे बोला हालेलुया। शौक नहीं है मेरे को, ऐसे नहीं मैं प्रार्थना करता। अभी इनकी जो प्रार्थना की अभी जो मुझे कैनेडा से यूके से जयराज बलवीर किरण किरण खा रही